टू द चैनल का ही स्वागत है आपका मेरी आज इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जो मैंने जो इंस्टॉल करवाई है एटमॉस्फेरिक लाइट, उसका मैं आपको टेस्ट दिखाने वाला हूं कि किस तरह की वो लगती है। वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी आपको हर एक चीज़ के बारे में पता चलेगा, ताकि आप भी उसे अच्छे तरीके से इंस्टॉल करवा पाएँ। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ उसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आगे भी कुछ इसी तरह की वीडियोज़ मॉडिफिकेशन के ऊपर एंड अदर चीज़ों के ऊपर मैं लेके आने वाला। सो गाइज, नाइट का टाइम हो गया और अब मैं आपको दिखा रहा हूँ एम्बियंस लाइट की लुक। ये देखिए, कुछ इस तरह की हमें जो है यहाँ पे लुक मिलता है। इस तरह यहाँ पे डैशबोर्ड के नीचे इनको पेस्ट कर दिया गया है। देखिए, इसकी मेन बात खासियत ये भी है कि भाई इसके आप जो है ब्राइटनेस इसकी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये है कुछ पीछे से प्रोफाइल जो नज़र आता है, पीछे फ्रंट सीट्स के नीचे जो लगा दी गई हैं, और कुछ पीछे से इस तरह का लुक आता है, आपको दिख सकता है। अब मैं जस्ट इसका आपको साथ में एक रिमोट मिला हुआ है, रिमोट का फीचर दिखाता हूँ। ये जस्ट हमारे पास इसका एक रिमोट है, जिसमें काफ़ी ब्राइटनेस कम ज़्यादा करने का भी हमें दिया गया है। ये देखिए, ये लाइटनिंग का है। जैसे मैं इसको डाउन करूँगा, ये इसकी ये लाइट ऑन कर लेते हैं ऊपर की, तो कुछ इस तरीके से हम इसकी ब्राइटनेस चेंज कर सकते हैं। हम ये देखिए, ऐसे रेड हो जाएगा, देन ग्रीन, ब्लू, प्योर वाइट, ऑरेंज। सो इस तरह से आप इसमें कलर चेंज कर सकते हैं। म्यूज़िक के साथ भी ये चेंज होता है। मैं अगर इसमें चेंज करूँ तो इस तरीके से ये डिप आउट डिप इन अपने आप करेगा, कलर चेंज होते रहेंगे। सो गाइज, ओवरऑल यही फीडबैक है इन लाइट्स के बारे में। अगर आप लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। और सबसे बढ़िया बात इसकी ये है कि भाई जो ये जो मैंने इंस्टॉल कराया, और गाइज मैं आपको भी बताना चाहूँगा कि अगर आप इसको इंस्टॉल करवाते हैं तो यहाँ पे मैंने एक प्रेफर स्विच लगाया है इसके लिए। ये देखिए, ये जो है ऑफ हो चुका है, आप इसको यहाँ पर ऑन कर सकते हैं। पर इसका ऑन ऑफ का ये मेन फ़ायदा ये होता है कि भाई अगर मान लीजिए आपको लॉन्ग ड्राइव पे जाना है और इरिटेट करने लगती है समटाइम्स ये लाइट, तो हम इसको अपनी मर्जी के मुताबिक हम इसे बंद भी कर सकते हैं। तो ओवरऑल इसमें बस यही था, ज़्यादा इसको ये देखिए किस तरह से इसके ब्राइटनेस हम कम कर सकते हैं। कलर मैं प्रेफर करता हूँ कि ग्रीन या फिर ब्लू ही रखा जाए, हालांकि ये ब्लू भी काफ़ी ज़्यादा तेज लगता है। सो ओवरऑल यही लुक है गाड़ी का। ये देख सकते हैं आप किस तरीके से प्रोफाइल है। रेड लुक दिखा देता हूँ मैं आपको दूर से कि रेड किस तरीके की लुक मिलती है इसमें। ये देखिए, प्योर रेड इसमें जो दिखाया गया है इस तरीके का है। Thank you.